मातृत्व की आवाज इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महेश बहुगुणा। मैं अभी बिल्कुल देवभूमि उत्तराखंड के यमुनोत्री धाम की तरफ हूं। बिल्कुल यमुना जाने वाला ये नेशनल हाईवे है, यमुनोत्री जाने वाला, जहां पर मैं खड़ा हूं, सिलक्यारा ये जगह पड़ती है। और जहां तक मैं आजकल की बात करूं, 2022 विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा हुआ है और आचार संहिता लगी हुई है। जहां तक मैं आचार संहिता की बात करूं, हिंदुस्तान की बात करूं, कोड ऑफ कंडक्ट इन इलेक्शन की बात करूं, तो आचार संहिता हिंदुस्तान में पहली बार विधानसभा में 1960 में केरल में जब चुनाव हुआ था तो पहली बार आचार संहिता को लगाया गया था। और मैं यदि लोकसभा की बात करूं तो 1962 जब जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे, उस टाइम कोड ऑफ कंडक्ट इन इलेक्शन यानी आचार संहिता को तैयार किया गया था और उसको लगाया गया था। कुल मिलाकर आचार संहिता का मतलब होता है कि जब इलेक्शन होते हैं तो उससे पहले कोई कंडक्ट है, कहीं भी कोई गतिविधि नहीं कर सकते, कोई अनाउंस नहीं कर सकते, जनता को किसी तरीके से ऐसे फेक चीजें नहीं बताई जा सकती, उसके रिगार्डिंग जिसको कि आचार संहिता बोला जाता है और वो लगा हुआ है। बहरहाल मैं अभी अपनी सहयोगी टीम के साथ आराकोट बंगाण यमुना घाटी की यात्रा पर हूं। कई गांव का हम दौरा करने वाले हैं, बिल्कुल उन दूर दरार तक हम पहुंचने वाले हैं जहां पर 14 से लेके 18 किलोमीटर तक जनता पैदल जाती है और क्या कह रही है जनता इलेक्शन को लेकर के, दिखाएंगे आपको जीरो ग्राउंड के हालात। बिल्कुल बर्फीली पहाड़ियां, बर्फ गिरी हुई है और जहां पर मैं अभी हूं बिल्कुल ये ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है, तोड़ फोड़ मचा हुआ है। और जहां तक मैं इस जगह की बात करूं, राड़ी के डांडा से लेकर के धरासू बैंड तक रोड का बिल्कुल बुरा हाल, ऑल अदर रोड टूटी हुई रोड है। हालांकि आजकल सर्दी का दिन है, बर्फबारी भी हो रही है, उसके बाद भी जो यहां से बसें जा रही है, कई जगह पर मुझे आम जनता की जो बस है रोड में जो कई जगह पर रुकी हुई नजर आई, बाधित होती नजर आई, क्योंकि कई जगह पर जेसीबी काम कर रहा है, काम चल रहा है, कई जगह पर रोड मुझे बहुत टूटी फूटी नजर आई। वास्तविक 2022 में बहरहाल यदि उत्तराखंड की बात करूं, सरकारों का आना जाना बना हुआ, कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी, बराबर सरकार बदलती है, कहीं ऐसा तो नहीं है यदि 2022 में यदि बीजेपी आती है तो क्या रोड के काम लगातार बनेंगे, बहुत अच्छी रोड बनेगी, या ऐसे ही चलता रहेगा सालों से? और यदि कांग्रेस आती है तो कि काम जारी रहेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि रोड के हालात, ये रोड का पूरा दायरा बदल जाए और फिर पब्लिक जहां की तहां खड़ी रहे, ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल रोड के अभी खंडर हालात मुझे नजर आ रहे हैं और सरकारों के बराबर दावे और नेताओं के मंच पे सुनाई दे रहे हैं और जीरो ग्राउंड के हालात, कई जगह पर बाधित हुई रोड मुझे नजर आ रही। दिखाता हूं आपको यमुना घाटी में और क्या है जीरो ग्राउंड के हालात। फिलहाल मेरे साथ मंझगांव के प्रधान जी हैं, बीटेक करके प्रधान बने, बिल्कुल युवा हैं, अचानक मुझे चलते हुए रोड पे नजर आते, जरा पूछ के देखता हूं क्या कह रहे हैं इनको रोड करके। प्रधान जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, इन रोडों के बहुत बुरे हाल है, इसको लेकर के क्या बोलना चाहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद। और जहां तक 2022 का चुनाव की बात है या आने वाली सरकार यहाँ पर जो रोड के हालात हैं इसको कैसे करती है, ये तो इस चीज़ पे तय करता है कि हम जो जन सामान्य लोग हैं, हम कैसा नेता यहाँ पे देते हैं, वो कितना एनर्जिक है। तो मुझे जहाँ तक लगता है यमुनोत्री विधानसभा है, 2022 का बिगुल बज चुका है और 14 फरवरी के दिन एक यमुनोत्री विधानसभा का ऐसा नेता मिलने वाला है जो शायद बहुत ही एनर्जिक होगा, जिसको युवाओं का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट होगा शायद। और मुझे लगता है कि जो भी सरकार आएगी उस सरकार से यहाँ का जो रोड होगा वो और बेहतरी से कार्य करेगा, लेकिन उसके लिए एक ईमानदार प्रतिनिधि और साथ ही एनर्जिक प्रतिनिधि चाहिए, और मुझे तो इस बार के युवा उस एनर्जिक को अच्छी तरह से जानते हैं। अच्छा प्रधान जी, ये बताइए, रोड के कई सालों से मीडिया ने न्यूज लगाई, कई सालों से खंडर हालत हो पड़ी, आखिर ये वजह क्या है, बन नहीं पा रही, ये रोड की ऐसी हालत क्यों है? इसमें मैं सच कहूँ तो सरकार के बड़े प्रयास हैं, लेकिन जो भी कंपनियों को ये काम दिया जाता है शायद उस गति से कर नहीं पाते जो करना चाहिए था, और जो मॉनिटरिंग करने वाली टीम है शायद उतनी अच्छी मॉनिटरिंग करते नहीं है, इसलिए हम इसको कम से 10 सालों से हम इस NH को देख रहे हैं, लेकिन ये कभी सॉल्व हुआ नहीं है।
आम ग्रामीण आम जनता हमेशा ऐसी गड्ढे वाली सड़क या मानो कि सड़क वाली गड्ढे जो भी है यहाँ पर, ये सब हमेशा मिलता रहता है हमें। बताया जा रहा रोड के जो हालत है ये शायद मौसम की वजह से भी है, ऐसे इस तरह के पर्यावरण या ऐसा परिवेश है कि शायद प्रॉपर हो नहीं पाता, क्या ये सही है? नहीं, ये सब इस बात को मैं बिल्कुल झूठा बोलूंगा, लेकिन पर्यावरण तो एक यहाँ पे पहले कंडीशन रहा हुआ है, लेकिन सच्ची बात यह है कि उस मनोभाव से यहाँ पे जो काम करने वाली कंपनियां हैं या ये यहाँ पे जो स्टाफ है अच्छे से काम करता नहीं है, और आम आदमी वैसे भी परेशान है हमेशा इस सड़क से। मैं चाहता हूँ कि इस बार सभी लोग अच्छे से कार्य करें और इस सड़क को जल्दी से जल्दी उसको विजन में लाएं, जो मोदी जी का विजन था चार धाम परियोजना वाला, और मुझे लगता है कि उम्मीद है कि 22 में ये कंप्लीट होना चाहिए जब तक यात्रा स्टार्ट होता है। चले बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर यात्रा भी आएंगी, अप्रैल में यात्रा खुल जाएंगी, तो क्या तब तक रोड बन पाएंगी ये तो संदेह ही है, क्योंकि इतना ज्यादा कई जगह पर रोड खराब है। शायद यात्रा के लिए क्या सरकार फिर वादा लेके आएगी, क्या रोड बनेगी, शायद नामुमकिन लगता है। फिलहाल सरकारों के वादे और दावे दिखाते आपको दूर दरार गांव पर क्या कह रही है जनता। जय हिंद, जय भारत।